का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित यह नीति वाक्य अमृत ग्रंथ राज है, जिसमें सामाजिक जनचेतना के लिए अनेक तरह के ज्ञान दिए गए हैं। और अध्यात्म विद्या के अंतर्गत जहां हमने आत्मा, मन, ज्ञान आदि के बारे में जाना है,
वहीं पर हमने शरीर इंद्री के विषयों के बारे में भी अच्छे ढंग से जाना है, और इन सब तरह की जानकारी का जो पूर्ण ज्ञान होता है उसी को अध्यात्म ज्ञान यहाँ पर कहा जा रहा है। जब हम अध्यात्म ज्ञान की बात करते हैं तो यद्यपि उसमें आत्मज्ञान की मुख्यता रहती है, लेकिन प्रारंभिक लोगों के लिए जो बिल्कुल ही अध्यात्म से अनजान होते हैं उनके लिए आत्मा के साथ साथ शरीर का भी ज्ञान कराना जरूरी होता है। शरीर की किस तरह से गतिविधियां चलती हैं, शरीर के अंदर और किस तरह से मस्तिष्क आदि काम करते हैं, मन ज्ञान किस तरह से काम करते हैं, और उन सब के साथ में आत्मा का अस्तित्व किस तरह से सिद्ध होता है, इस सब होल सोल नॉलेज का नाम ही अध्यात्म ज्ञान प्रारंभिक छात्रों के लिए होता है। जो सामाजिक जीवन वाले जीने वाले सामान्य लोग हैं उनके लिए इस तरह का आत्मज्ञान होता है, और जो इस ज्ञान को जानते हैं उन्हें आत्मा के विषय में और विशिष्ट रूप से ज्ञान दिया जाता है जो विशिष्ट अध्यात्म शास्त्रों के माध्यम से दिया जाता है। तो प्रारंभिक रूप में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, सामाजिक जनजीवन जीने वाले जो सामान्य लोग हैं उनके लिए यह आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। ये अध्यात्म विद्या यहाँ जो बताई जा रही है ये बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इस विद्या में कल आपको बताया था कि शरीर किसे कहते हैं, एक शरीर की परिभाषा दी थी, भोगायतनम शरीरम। शरीर यानी भोगों का आयतन है, भोगों का स्थान यह शरीर बनता है, तो शरीर से ही सब भोग होते हैं और शरीर के लिए ही सब भोग होते हैं, ये सिद्ध हो जाता है। जब व्यक्ति भोग की ही एक दृष्टि रखता है तो उसके लिए शरीर पर ही एक दृष्टि रहती है। अगर हम यूं कहें कि भोगैक दृष्टि, यानी भोग के प्रति ही जिसकी एक दृष्टि है, तो उस व्यक्ति की दृष्टि शरीर के प्रति ही एक दृष्टि होगी। उसकी दृष्टि में और शरीर के भीतर रहने वाले किसी भी तरह की आत्मा आदि से उसे कोई प्रयोजन नहीं होगा। और इस तरह से यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि हम शरीर को भी जाने, आत्मा को भी जाने, लेकिन जो केवल शरीर के ऊपर ही एक दृष्टि रखते हैं, शरीर को ही केवल जानते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है अगले सूत्र के माध्यम से। सूत्र नंबर है 34। ऐहिक व्यवहार प्रसाधन परम लोकायतिकम। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ लोकायतिक लोग होते हैं, लोकायत जिसे बोलते हैं, है ना, माने लोक में जिस तरह का आचरण सब लोगों को मान्य होता है वैसा ही आचरण जिन्हें मान्य है उन्हें लोकायत कहते हैं। सुन रहे हो क्या नाम है? लोकायत। लोक के तरह ही आचरण मान्य करना, और लोक में क्या है? ऐहिक व्यवहार प्रसाधन परम। जो इस लोक संबंधी जो कुछ भी व्यवहार होता है उसे ऐहिक व्यवहार कहते हैं, और उस ऐहिक व्यवहार को ही जो साधने में लगे रहते हैं ऐसे लोग लोकायत कहलाते हैं। इन लोकायतों को कहें एक तरह की, इनकी सारी की सारी दृष्टि जो होती है वो सिर्फ भोग दृष्टि होती है इनकी। और वो भोग दृष्टि क्यों बन जाती है? क्योंकि इनकी दृष्टि में शरीर के अलावा और कुछ नहीं होता है। शरीर के साधनों के साथ ही आनंद लेना, शरीर के लिए ही जीना, शरीर के लिए ही मरना, शरीर में ही जीना, शरीर के लिए ही मरना, यही इनकी एक दृष्टि होती है। और ऐसे भी बहुत से लोग दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे जो सिर्फ भोग दृष्टि रखने वाले लोग होते हैं। एक तरह का यह तो एक दर्शन भी है, एक मत भी है, और यह मत एक तरह से नास्तिक मत कहलाता है। नास्तिक और आस्तिक का अगर वास्तव में संबंध होता है तो इसी बात से होता है कि जो इस लोक और परलोक को मानता है वो आस्तिक होता है, और जो यह लोक और परलोक को नहीं मानता वो नास्तिक होता है। यह लोक के साथ साथ भी परलोक है, जिस व्यक्ति के अंदर यह मान्यता होगी वो आस्तिक होगा, क्योंकि परलोक तभी सिद्ध होगा जब इस लोक में आत्मा कुछ कर्म करके परलोक में जाए।
अगर आत्मा ने इस लोक में कोई अच्छे कर्म किए हैं और वह कोई परलोक में नहीं गया तो उन अच्छे कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। और जिसने इस परलोक को नहीं माना, माने उसने आत्मा को भी नहीं माना। जो आत्मा को मानेगा वो परलोक को मानेगा, और जो आत्मा और परलोक को मानेगा वही वस्तुतः आस्तिक कहलाता है। आत्मा के अस्तित्व को जो माने वो आस्तिक, आत्मा के अस्तित्व को जो नकारे वो नास्तिक। ये एक व्यापक परिभाषाएं होती हैं और बननी चाहिए, लेकिन इन व्यापक परिभाषाओं को भी एक बहुसंख्यक संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में लाकर के इन परिभाषाओं का भी गला घोंट दिया जाता है। यानी ये व्यापक परिभाषाएं भी अपनी व्यापकता छोड़ देती हैं जब किसी बहुसंख्यक संप्रदाय के कारण से ये परिभाषाएं भी छोटी हो जाती हैं। और ये क्यों हो जाती हैं? तो एक बहुसंख्यक संप्रदाय है जिसके कारण से हर जगह पर हर शिक्षा नीति में उन्हीं के भावों के अनुसार सब कुछ चलता है, उन्हीं के अनुरूप हर चीज की परिभाषा बनती है, उन्हीं के अनुकूल हर चीज का ज्ञान दिया जाता है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो पहले के लोग जिस तरह से आस्तिक और नास्तिक को मानते थे, आज वैसे आस्तिक और नास्तिक को नहीं मानते हैं। अगर आपने कभी स्कूली किताबों में पढ़ा हो तो आस्तिक और नास्तिक मतों में एक भेद विभाजन किया जाता है, कौन से दर्शन आस्तिक हैं और कौन से नास्तिक हैं। और बड़ी कहना चाहिए अज्ञान की विडंबना, बड़ी बड़ी यूजीसी जैसे लेवल पर बैठे हुए लोगों के द्वारा जिन पाठ्यक्रमों को निश्चित किया जाता है, ऐसे बड़े बड़े शिक्षाविदों की आंखों पर भी कैसे पट्टी बन जाती है समझ नहीं आता। अभी तक तो सुनते थे कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, अब यहां पर मैं कहूंगा शिक्षाविद जो यूजीसी के कोर्स डिजाइन करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। जो व्यक्ति आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा नहीं बना सकता वो दुनिया के अंदर कभी भी धर्म और अधर्म का विभाजन नहीं कर सकता। आज अगर हम देखें तो नास्तिक मतों के अंदर तीन मत आते हैं। मैंने पढ़ा है वो किताबों को और लोग मुझे लाकर के दिखा देते हैं, महाराज देखो ये क्या लिखा है। एक जैन मत, बौद्ध दर्शन और एक चार्वाक दर्शन है, इन तीनों को नास्तिक बोला जाता है। ये तीनों नास्तिक दर्शन है, ये पढ़ लेना आपने सबकी अपनी आठवीं दसवीं की किताबों में, इतिहास की किताबों में आपको लिखा मिलेगा। इन किताबों को बनाने वाले, इस तरह का विभाजन करने वाले ये कौन लोग हैं, ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने दुनिया का कौन सा इतिहास पढ़ा है, इन्होंने कौन सा जैन दर्शन पढ़ा है, इसके बारे में इन्हें चैलेंज देने का भी कोई एक साहस नहीं करता है, बोलने का भी कोई साहस नहीं करता है। शायद बहुसंख्यक लोग होने के कारण से हमारे ऊपर आक्रमण कर बैठेंगे, इस डर के कारण से भी बहुत से लोग साहस नहीं करते। लेकिन हमें बोलना चाहिए, हमें बताना चाहिए, और अगर आपको बोलना नहीं आता है तो मैं बोलता हूं, मुझे दुनिया में बता देना चाहिए कि ये महाराज ये बोल रहे हैं, कोई डर की बात नहीं है। आस्तिक और नास्तिक का विभाजन किस आधार पर होना चाहिए? ये राजनीति शास्त्र है जो हम पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से चाणक्य के कौटिल्य शास्त्र मान्य है, उसी तरह से आचार्य सोमदेव का नीति वाक्यामृत पूरी भारतीय संस्कृति में मान्य है। ये सामाजिक शास्त्र हैं और इनके अंतर्गत भी यही बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए इहलोक और परलोक का विभाजन नहीं है, जो केवल अपने शरीर की ही दृष्टि रखता है, भोगों की ही एक दृष्टि रखता है, और वह इसलिए रखता है क्योंकि इस जन्म में भोगों के अलावा और कोई सुख का साधन नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, ऐसा एक मत रहा है जिसे लोकायत मत कहा गया, जिसे चार्वाक दर्शन इसी का दूसरा नाम है। क्या बोलते हैं इसको? चार्वाक दर्शन, लोकायत मत। ये लोग वो लोग रहे जिन्होंने हमेशा खाओ पियो ऐश करो, ये जो आपकी भाषा है ना, ये भाषा को प्रचारित करने वाले ये लोग रहे। कैसे भी हो जीवन सुखपूर्वक जीना है, और सुख का मतलब क्या है? जितना भी आपको खाओ पियो
मौज करो वाला जो जीवन होता है वो चार्वाक जीवन है। हाँ, ऋणम कृत्वा यावत जीवम सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये इनके सिद्धांत हैं। क्या कहते हैं? जब तक जीना है सुख से जियो, दूसरे से लोन ले लो, उधार ले लो और बाद में मुकर जाओ, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, क्या कर लोगे? ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, घी पियो, मौज मस्ती करो, ये देह तो भस्म हो जानी है, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, पुनः देह नहीं मिलनी वाली है, आत्मा आत्मा तो कुछ होती नहीं है। इस मानसिकता के साथ में जो लोग जीते हैं उनको कहा जाता है नास्तिक दर्शन के लोग, जिनकी दृष्टि में केवल शरीर होता है, भोग पदार्थ होते हैं और कुछ नहीं होता है। अब आप देखो आज के इस इतिहास में ये विभाजन कहां तक उचित है जो हमें करके दिखाया जाता है। जो वेदों को माने वो आस्तिक और जो वेदों को ना माने वो नास्तिक। मैं कहता हूं इस बात पर एक क्लेम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर एक क्लेम होना चाहिए। ये कौन सा न्याय है जो वेदों को माने वो आस्तिक और जो वेदों को ना माने वो नास्तिक? अरे भाई, मानने ना मानने की मान्यता तो अपने अपने विचारों पर निर्भर करती है। क्या केवल वेदों को मानने से कोई व्यक्ति आस्तिक हो जाएगा? आस्तिक मानने की परिभाषा यह होनी चाहिए, एक व्यापक परिभाषा जो आजकल के जजों को वकीलों को बतानी चाहिए कि आस्तिक का मतलब जो आत्मा के अस्तित्व को माने, आस्तिक का मतलब जो इस लोक में किए जाने वाले अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के बीच के विभाजन को माने, आस्तिक का मतलब जो इस लोक में किए गए अच्छे कर्मों का फल हमें परलोक में मिलता है, इस तरह का जो एक सिद्धांत माने। कम से कम हमें इस तरह के सिद्धांतों को लेकर के आस्तिक और नास्तिक के बीच का एक विभाजन करना चाहिए। इसमें ना हम वेदों की बुराई करेंगे ना हम किसी और दर्शन की बुराई करेंगे, इसमें वो सारे दर्शन आ जाएंगे जो आत्मा को मानते हैं। अच्छे कर्म करने पर आत्मा को परलोक में भी अच्छा सुख मिलता है, इस लोक में भी अच्छा सुख मिलता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित होगा तो उसके पीछे एक सिद्धांत होगा, भाई मरने के बाद में देह तो भस्म हो जाएगी, आत्मा भस्म नहीं होती है, आत्मा रहती है और वही आत्मा फिर एक नया शरीर लेती है, वही आत्मा को फिर नया जन्म मिलता है, उस जन्म में उसे सुख या दुख इस जन्म में किए गए कृत्यों के अनुसार मिलता है। यह विचार जब आदमी के अंदर आएगा तो आस्तिकता की परिभाषा एक और व्यापक रूप लेगी। लेकिन कुछ लोगों ने उस आस्तिकता की परिभाषा को भी संकीर्ण कर दिया और यह परिभाषा आज तक इतिहासों में चल रही है, पढ़ाई जा रही है, कोई इसके पीछे सिद्धांत नहीं है, अपोच करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है, कोई भी तरह का व्यक्ति इसके लिए किसी भी तरह से ना कोर्ट में अपील करता है ना कहीं पर कोई अपनी एप्लीकेशन लगाता है, जबकि ये कितनी भयानक चीज है जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन बताना। अगर जैन ही नास्तिक हो गए तो दुनिया में आस्तिक कौन बचेगा? जो आत्मा के लिए जीते हैं, परलोक के लिए जीते हैं, अच्छे सत्कर्म करते हैं, अहिंसा दया सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर जीते हैं, किस लिए? अगर इसके माध्यम से आत्मा की उन्नति नहीं, इसके माध्यम से आत्मा के अस्तित्व का अगर हमें ज्ञान नहीं तो फिर किसके माध्यम से आत्मा का अस्तित्व जाना जाएगा? ये सारा जो किया हुआ कर्म है ये सब हमारी आत्मा के साथ जाता है और यही हमारा संस्कार होता है, जो संस्कार हमें परभव में भी काम आता है। ये सब परिभाषाएं इसीलिए पहले बताई गई हैं। इसलिए जैन दर्शन कभी भी नास्तिक दर्शन नहीं हो सकता। कोई भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा कैसे स्वीकार करेगा कि जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है? चार्वाक को हम नास्तिक कहें ठीक है, एक क्षण के लिए हम बौद्धों को भी नास्तिक कह सकते हैं क्योंकि वो भी आत्मा को क्षणिक मानते हैं, क्षणक क्षयी उनका सिद्धांत है, हर चीज क्षण भर में नष्ट होती है, हर चीज नई बनती है, पिछली चीज का अस्तित्व तो अगले क्षण होता ही नहीं है, क्षण भंगुर के सिद्धांत पर जीने वाले ये लोग हैं, इनको भी अगर हम नास्तिक कहें तो चल जाएगा। लेकिन जैनों को नास्तिक कैसे कह सकते हैं जो आत्मा को शाश्वत मानता है, आत्मा को चिरकाल तक रहने वाला
अनादि निधन द्रव्य मानता है और जो आत्मा शाश्वत को शाश्वत रूप में मानी जाती है वही आत्मा वेदों में भी शाश्वत मानी जाती है। जब आत्मा को हम शाश्वत मान रहे हैं तो फिर ये मत नास्तिक कैसे हो सकता है? पढ़े लिखे लोगों को ये बातें क्यों समझ नहीं आती, मुझे इस बात का बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। चार्वाक दर्शन की तुलना जैन दर्शन के साथ करना, इन तीन दर्शनों को एक कैटेगरी में बांध देना और ये नास्तिक दर्शन के रूप में सामने रख देना, ये हमारे बच्चों के लिए कितनी भयावह बात है, हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। जिन बच्चों ने ये पढ़ लिया है उनको हम अब क्या पढ़ा पाएंगे, और जिन्होंने एक बार अपने मन में धारणा बना ली कि जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है, तो बताओ इस जैन दर्शन में जीने के बाद में उन्हें क्या सीखने को मिला और उन्होंने क्या सीखा? अगर उनके अंदर नास्तिकता की भावना आ गई तो फिर वो आस्तिक दर्शन की ओर ही आगे बढ़ेंगे। आस्तिक कौन? अगर दुनिया में परसेंटेज देखा जाए तो आज भी आस्तिकों का ज्यादा है, नास्तिकों का कम है, लेकिन दुनिया में भी जब सर्वे किया जाता है तो आस्तिक और नास्तिक का परिभाषा ये व्यापक नहीं है, जो वेदों को माने वो आस्तिक। जब पूरे देश का पूरे विश्व का सर्वे किया जाता है आस्तिक और नास्तिक का, इसके भी डेटा निकले हुए हैं, वो इस बात पर किए जाते हैं कौन लोग धर्म पर विश्वास करते हैं। इससे मतलब नहीं किस धर्म पर विश्वास करते हैं, आस्तिक उनको कहा जाता है जो किसी ना किसी धर्म को मानते हो, थोड़ा धर्म का डर रखते हो। भाई हमारे धर्म में यह कहा गया है, हमें अपने धर्म पर आस्था है, हमारे धर्म में ऐसा करने को कहा गया है, ये करने को नहीं कहा गया है, उनको आस्तिक कहा जाता है। जो विश्व रिपोर्ट आती है, जो विश्व के सर्वे होते हैं, उनमें आस्तिक और नास्तिक का विभाजन इस बात पर होता है, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें हमें नहीं मालूम धर्म अरम, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम धर्म के बारे से कुछ भी ना जानते ना जानना चाहते हैं, ना हमें धर्म में कोई इंटरेस्ट है, हम अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी तरीके के कोई भी संप्रदाय या धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं मानते, चाहे वो चर्च हो चाहे बाइबल हो, कुछ नहीं मानते, ऐसे भी लोग दुनिया में, उनको नास्तिक कहा जाता है। जब पूरे विश्व रिपोर्ट आती है सामने आस्तिक और नास्तिक की, तो वो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन के साथ में आती है, लेकिन जब भारत में पढ़ाया जाता है आस्तिक और नास्तिक तो वो इस रूप में पढ़ाया जाता है। जैन बौद्ध और चार्वाक ये नास्तिक दर्शन है, बाकी के जो दर्शन है वो सांख्य योग आदि ये सब जो है ये एक तरीके से वैदिक दर्शन है और इन सबको आस्तिक माना जाता है। ये विभाजन किस आधार पर होता है, किस आधार पर किया गया, इस तरह से आपके द्वारा एक तरह से विरोध दर्ज करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को जो भी अपने समुदाय के अंतर्गत जो जैन वकील हैं, जैन जज हैं, कम से कम इनका तो एक संगठन इस रूप में सामने आना चाहिए। ये लोग इस तरह से आगे आकर के ये बात हिस्ट्री की किताबों से निकलवाएं, संशोधन करवाएं शिक्षा नीति के अंतर्गत। नई शिक्षा नीति तो आ जाएगी लेकिन पुराने जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट पड़े हैं वही चलते रहेंगे, उनमें यह बदलने वाला नहीं है। इसके लिए तो आपको अलग से अपोज करना पड़ेगा और ये अपोज होना चाहिए। इसमें क्या गलती है भाई, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, हम अपनी बात अपना सिद्धांत अगर हम नहीं सामने रखेंगे तो हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं? इससे अच्छा तो वो राजतंत्र था जिसमें कम से कम राजाओं का संरक्षण तो मिलता था, ये कैसा लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र के अंतर अगर हमें अपने सिद्धांतों की सुरक्षा का भाव नहीं आ रहा है, हम अपने बच्चों को वही पढ़ाए जा रहे हैं और किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ये कौन सा डर है आप लोगों के अंदर? ये आवाज निकलनी चाहिए, ये इतिहास से लाइनें हटनी चाहिए, उन किताबों का बहिष्कार होना चाहिए जिन किताबों में इस तरह से लिखा हुआ है। और जब भी जैन किसी भी दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ाई जाती हैं तो उस दर्शन शास्त्र की किताबों में इसी तरीके का विभाजन हमें लिखा हुआ मिलता है। चार्वाक दर्शन की तरह जैन दर्शन को बताना यह कितना बड़ा एक तरह से अपहास है जैन दर्शन का, कि जहां जैन दर्शन एक सात्विकता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ दर्शन माना जाता है, बड़े बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी कहते हैं यदि मुझे मरने के बाद में, वो कहते हैं मुझे पता नहीं जन्म होता है कि नहीं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वैज्ञानिक लोग हैं उन्हें पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं होता, आत्मा पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो दुनिया को देखते हैं, दुनिया के दर्शन पढ़ते हैं, तो सोचते जरूर है कि कुछ ना कुछ होता तो होगा।
आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मुझे यह मिलता है कि कहीं मेरा जन्म दोबारा होता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि पुनर्जन्म होता है, अगर बाई चांस पुनर्जन्म होता हो, शायद होता हो, तो मैं कहता हूं मुझे ऐसी जगह पर जन्म मिले जहां पर मुझे जैन दर्शन पढ़ने को मिले, मेरा जैन कुल में जन्म मिले। यह है आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े विश्वविख्यात जो वैज्ञानिक हैं उनकी अवधारणा। आदमी के अंदर अगर यह सिद्धांत नहीं आएगा कि जब जिस अहिंसा के आधार पर हम जी रहे हैं वो भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा हमें आस्तिक बनाती है कि नास्तिक बनाती है, आज भारत के संविधान के अंदर भी वही अहिंसा चल रही है जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाई है, बताई है, और उसी के आधार पर सारा देश चल रहा है और उसी के आधार पर देश परतंत्रता से स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ, गांधी जी उसी अहिंसा को अपनाए और आज हम उसी अहिंसा को चार्वाक मत के साथ जोड़ रहे हैं। चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन को एक कहने का मतलब एक भोगों की ओर दृष्टि रखने वाला है, एक दुराचार की ओर दृष्टि रखने वाला है, और एक दर्शन आत्मा की दृष्टि रखने वाला है, सदाचार की दृष्टि रखने वाला है। वह दर्शन चार्वाक दर्शन से मैच कैसे कर सकता है जो बिल्कुल विपरीत है, जिसके अंदर आत्मा के अस्तित्व का श्रद्धान होने लगेगा उसकी दृष्टि में भोग दृष्टि रहेगी नहीं, वो डरने लगेगा, पाप करोगे तो पाप का फल बहुत बुरा मिलेगा, ये डर उसके अंदर बैठेगा। किसके अंदर? जो आत्मा को भी शरीर के साथ मान्यता में लेता है, आत्मा को भी शरीर के साथ मानता है, और जो केवल शरीर को मानता है, भस्मी भूतस्य देहस्य, बस देह भस्म हो गई उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, यहां पर कोई पुनरागमन नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा का पुनः फिर कहीं पर कोई किसी योनि में जन्म नहीं होता, ऐसा मान्यता जिसकी है वह व्यक्ति नास्तिक हो तो हो, लेकिन जो स्वर्ग को, मोक्ष को, नरक की व्यवस्थाओं को पूरे वैज्ञानिक ढंग से और बहुत ही गणितीय ढंग से जिनका यहां पर विवेचन है सिद्धांत ग्रंथों में, उस दर्शन को नास्तिक दर्शन कहने का दुस्साहस जिस व्यक्ति ने किया उसे कटघरे में ला करके खड़ा करना चाहिए। यह दुस्साहस आपके अंदर आना चाहिए। आज के इस जमाने में अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आपसे बढ़कर के कोई कायर नहीं है। क्या जैन समाज इतनी कायर हो गई कि अपने सिद्धांतों के प्रति भी इतनी सजग नहीं है कि हम उन सिद्धांतों के विरोध में भी कोई बात अपने मुंह से बाहर निकालें और सुप्रीम कोर्ट तक वो बात पहुंचाएं? जब ये सिद्धांतों की बात आती है तब हम सामने आते हैं, तब हमें उस समय पर ज्ञान भी मिलता है और दूसरों को भी ज्ञान मिलता है। जब संलेखना की बात आई थी, हंगामा हुआ था देश के अंदर, तो ना पढ़े लिखे लोगों को भी ज्ञान हुआ कि संलेखना क्या चीज होती है, और अंततः क्या सिद्ध हुआ कि यह एक वैधानिक चीज है, यह एक हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह करने के लिए किसी भी तरह का इसमें कोई पाप नहीं है। जब तक हम अपने सिद्धांतों को ना पढ़े लिखे लोगों को, ना समझ लोगों को नहीं बताएंगे तब तक उनके अंदर समझदारी आएगी कैसे? मैं कैसे कह दूं कि जितने बड़े बड़े कोर्टों में बैठे हुए वकील और जज हैं सब पढ़े लिखे हैं, उनकी पढ़ाई अलग टाइप की होगी, वो अलग लाइन की पढ़ाई होगी, लेकिन ये पढ़ाई उनके लिए अगर नहीं है तो मैं नहीं कह सकता कि वो संपूर्ण ज्ञान को धारण करके किसी के साथ न्याय कर सकते हैं, क्योंकि न्यायविद को यह ज्ञान जरूर होना चाहिए, जितने भी दर्शन हैं उनकी गहराइयां ज्ञान होना चाहिए उनको, नहीं तो वो न्याय नहीं कर सकते हैं। संविधान कैसे बनाए जाते हैं, संविधान में हेरा फेरी होती है, इन सबके बावजूद भी कोर्ट की मोहर लगती है, और अगर कोर्ट में बैठे हुए लोगों को इस तरीके का ज्ञान नहीं होगा तो कभी भी जैन दर्शन के साथ में न्याय नहीं हो सकता है, अन्याय होता रहेगा। ये लोकायत मत, लौकिक मत कहलाते हैं, और जैन दर्शन अपने आप में एक अलौकिक दर्शन कहलाता है, जो लोक में चल रहा है उससे ऊपर उठ करके सोचने वाला, अलौकिक धारणाओं में जीने वाला, अलौकिक विज्ञान के साथ में रहने वाला, ये अलौकिक दर्शन कहलाता है। चाहे वो आत्मा के दर्शन की बात हो, चाहे वह स्वर्ग और नरक की बात हो, एक एक स्वर्ग और नरकों की व्यवस्थाएं जिस वैज्ञानिक ढंग से हमें तीर्थंकरों ने बताई हैं, वो हमें सिद्ध करती हैं कि आत्मा का अस्तित्व जिन 84 लाख योनियों में बीतता है, एक एक योनि की हमारे पास में
स्थिति पता है, उसकी लोकेशन हमें पता है, आपको किसी को पता नहीं होगी, आप सिर्फ कहते रहते हो 84 लाख योनियां होती। हम बता सकते हैं डिवाइड करके पूरे लोक के अंदर गणित लगा करके कि कितने क्षेत्र में कौन सी योनियां हैं, लोक का कितना क्षेत्र नरकों के से घिरा हुआ है, लोक का कितना क्षेत्र स्वर्गों से घिरा हुआ है, और कितने क्षेत्र में यह मनुष्य और त्रियंश रहा करते हैं, इन सब का गणित हमारे पास में है। और इस विशाल दर्शन की, इतने विस्तृत दर्शन की तुलना एक चार्वाक दर्शन से कर देना और उसे उस कैटेगरी में डाल देना जिसमें चार्वाक दर्शन डला है, बौद्ध दर्शन डला है, जो आत्मा को क्षणिक मानता है, मरने के बाद जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे निर्वाण मान लेता है, बस तुम्हारा मोक्ष हो गया, ऐसे दर्शन की तुलना इस जैन दर्शन से करना और सब लोग पढ़ करके आगे निकल जाना, यह क्या हो रहा है? ये कौन सा लोकतंत्र है और ये कौन सा डर है आप लोगों के अंदर जो आप इस विषय में कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, ना किसी को सुना रहे हैं? ये सोचना चाहिए। और इसीलिए कहता हूं आजकल जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर इनसे पूछा जाए ये आस्तिक बन रहे हैं कि नास्तिक बन रहे हैं, दो तरह का वो आस्तिक और नास्तिक दर्शन है। एक विश्व दर्शन की तरह अगर हम देखें तो आस्तिक नास्तिक का मतलब जिन्हें किसी धर्म से कोई मतलब हो, जिन्हें किसी पुण्य पाप से कोई मतलब हो, जिन्हें किसी सदाचार या दुराचार के बीच का कोई डर हो, तो उन्हें हम आस्तिक कह सकते हैं, ये विश्व दर्शन की अपेक्षा से। लेकिन भारतीय दर्शन की अपेक्षा से जिन्हें केवल वेदों का ज्ञान हो, वेदों की मान्यता हो, उनको ही मानने वाले अगर आस्तिक हैं, तो आप दोनों दर्शनों की अपेक्षा से आज के बच्चों का एक सर्वे करवा लेना, आपको पता पड़ जाएगा आपके बच्चे नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं। वो कुछ नहीं मान रहे हैं, ना वेदों को मान रहे हैं, ना धर्म अधर्म को मान रहे हैं, ना विश्व के परिप्रेक्ष्य में वो आस्तिक हैं, ना भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आस्तिक हैं। वो नितांत नास्तिक होते चले जा रहे हैं। आप सोचिए कि आप बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो नास्तिक दर्शन की शिक्षा दे रहे हैं, सब चार्वाक हो रहे हैं। हर बच्चे के मुंह से क्या निकलता है? मेरी जिंदगी, मेरा एंजॉयमेंट, मेरी लाइफ, आप कौन होते हैं बीच में उसमें इंटरफेयर करने वाले? मुझे स्मोकिंग करना है, ये मेरी इंटरेस्ट की बात है। मुझे ड्रिंकिंग करना है, ये मेरी चॉइस है। मुझे किन्हीं भी लोगों, किन्हीं भी होटलों में जाना है, किसी भी तरीके से अपनी नाइट बिताना है, मुझे ये मेरी चॉइस है। आप कौन होते हैं? माई लाइफ माई रूल्स। बस जब दूसरे रूल्स उनको सिखाई नहीं गए हैं तो उनकी लाइफ में उनके रूल्स चलेंगे। और यही सिखाया जाता है, यही हर बच्चे को एक दूसरे के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। भैया अपने अपने जीवन में अपने अपना एंजॉयमेंट के तरीके निकालो, किसी के कहने से चलोगे तो फिर जिंदगी क्या है? अपनी जिंदगी है, अपने ढंग से जियो। मेरी जिंदगी है, मैं अपने ढंग से जी रहा हूं, आपको इससे क्या लेना देना है? बताओ आपके बच्चे आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? खोजो, इस बात का सर्वे करवाओ। भारत के अंदर रहने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर आस्तिकता से जुड़ा हुआ है कि नास्तिकता से जुड़ा हुआ है? आज के जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, हॉस्टलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सब नास्तिकता के दिमाग से चल रहे हैं कि आस्तिकता के दिमाग से चल रहे हैं? अगर आस्तिक होंगे तो हमें कहना ही नहीं पड़ेगा बेटा ये पाप है, पाप नहीं करना। वो कहता काय का पाप, ये पाप पुण्य का डर क्यों दिखाते हो हमें? ये आप लोगों ने हवा बना रखा है, डर बना रखा है। शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, पर स्त्री सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से होटलों पर पार्टियां नहीं करना चाहिए, कुछ भी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये आपने डर बना रखा है। कुछ नहीं होता है सब डर भर, हमें नहीं चाहिए, हम निडर लोग हैं। आपके कहने से हम ये सब चीजें मान लें, ये हमारी फिरकत में नहीं है। आपको मानना है आप मानो। ऐसे बच्चों को बताओ आप क्या बोलोगे, ये नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं? और नास्तिक भी हैं तो कौन से नास्तिक हैं? ये उसी दर्जे के नास्तिक हैं जो यहां बताया जा रहा है, लोकायत हैं ये सब, लौकिकता में डूबे रहने वाले। इनका काम ही है बस खाओ पियो ऐश करो, उदर पूर्ति और शिश्न पूर्ति। शिश्न जानते हो, ये नीचे जो जननेन्द्रिय होती है इसको शिश्न बोलते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने ईसा की 3री शताब्दी में यह लिख रखा है कि ऐसे मत हे भगवान आपके दर्शन के सामने भी खड़े हो रहे हैं, और उस समय पर भी ये मत चला करते थे, और ये लोग भी मुक्ति के दावे करते हैं। ये कितनी हास्य की बात है कि ये लोग
जो केवल उदर पूर्ति और शिष्ण पूर्ति के लिए जी रहे हैं, ये लोग भी मुक्ति के दावे कर रहे हैं। ये आचार्य संवंतवत महाराज लिख रहे हैं और कहते हैं भगवान ये कितने हास्य की बात है, और दुनिया इसको भी मान रही है कि हाँ इससे भी मुक्ति मिलती है, खाओ पियो ऐश करो मुक्ति इसी से मिलेगी। अगर इस जन्म में आपने सुख नहीं भोगा तो अगले जन्म में सुख नहीं मिलेगा, इसलिए सुख भोगो, जैसे मिले वैसे भोगो, जिसका मिले उसका भोगो, सुख भोगना ही एकमात्र काम है। शराब पियो, मांस खाओ, खूब दुराचार करो, सब तरीके के जितने कामों से आपको यहां सुख मिलेगा उसी तरह से आपको परलोक में भी अगर मिलेगा तो सुख इसी से मिलेगा, क्योंकि जो यहां सुखी नहीं है वो कहीं भी सुखी नहीं है, ये सिद्धांत सिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? अब सोचो आप, आपने बच्चों को पढ़ा करके बीटेक एमटेक करा दिया, एमबीए और सब पढ़ाई पढ़ा दी आपने, और उनके दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है, खाओ पियो ऐश करो। आपने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो। इतने बच्चे कहना चाहिए माता पिता का अनादर करने वाले भी बच्चे हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। अगर माता पिता कहते हैं बेटा मैंने क्या तुझे इसीलिए पैदा किया था, तो बेटे यहां तक भी बोल देते हैं वो आपने अपने मजे के लिए हमें पैदा किया होगा, आपने अपना काम कर लिया मुझे अपना काम करने दो, ऐसे भी लोग हैं, ये भी सुनने को मिलता है। जब बच्चों के अंदर इस तरीके की बेहूदी बेवकूफी दिखाई देगी तो आप समझो कि आप उन बच्चों को पढ़ा करके क्या बना रहे हो। ये लोकायत मत के अनुसार बच्चे चल रहे हैं या किसी भी आस्तिक मत के अनुसार चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना वो वैदिक बन रहे हैं ना जैन बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं, वो नितांत भ्रष्ट बन रहे हैं। और इस तरह का मत जहां पर चलेगा वहां क्या होगा, दुनिया के पाप बढ़ेंगे, अराजकता बढ़ेगी, और उसी अराजकता के कारण से दुनिया में नुकसान होगा। और वो नुकसान जब होता है, अगर वह राजा इस तरह की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देगा तो राजा के द्वारा भी फिर कभी भी प्रजा के लिए अच्छा आचरण करने का रास्ता नहीं मिल सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें